हेलो दोस्तों, इस टाइम मैं अलाहाबाद यानी प्रयागराज के न्यू ब्रिज पे हूँ, जिसको हम रोप वाला ब्रिज बोलते हैं। और अब हमारे लेफ्ट के साइड में देखो, मैं ये अपने कैमरे को इधर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अकबर का किला देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, तो ये अकबर का किला है। अभी ये कैंटोनमेंट एरिया है, तो इसमें आर्मी रहती है। तो इंडिया में, मतलब हिंदुस्तान में, अकबर ने 3 किले बनाए थे, जो कि रेड फोर्ट है जो दिल्ली में है, एक रेड फोर्ट और है जो आगरा में है, और तीसरा किला ये इलाहाबाद प्रयागराज यमुना नदी में स्थित है। कि आप थोड़ा सा पास में देखोगे, ये संगम है, तो मैं आपको संगम के भी दर्शन करा रहा हूँ। देखिए कितने श्रद्धालु हैं वहाँ पे। यहाँ पे 3 नदियों का मेल है, लोग आते हैं यहाँ पे, स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो ऐसी आस्था मानी जाती है कि संगम में हम अगर एक डुबकी लगाते हैं, तो जितने भी हमारे पाप होते हैं, पास्ट में हमने जो भी कुछ किए हैं, वो हमारे धुल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नदियों का मेल होता है, जिसको हम गंगा, यमुना और सरस्वती बोलते हैं। तो यमुना ये दिल्ली के रास्ते से आती है और आके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे, जहाँ पे आप संगम देख रहे हो, यहाँ पे संगम का मिलन होता है। यहाँ से गंगा मिलती है, गंगा फिर आगे मिर्ज़ापुर और हमारी वाराणसी की तरफ मूव कर जाती है, वो आगे चली जाती है। और ये अकबर का किला है, यहाँ पे आर्मी है। ठीक है, और आप इधर देखोगे, ये नैनी का एरिया लगता है। यहाँ पे आपको काफ़ी नदियाँ हैं यहाँ पे, और काफ़ी, ये देखो एक मंदिर आपको दिख रहा है, ये एक तीर्थ स्थल है, तो आप यहाँ देख सकते हो। ये त्रिवेणी पुष्प है, ये रेड कलर का छोटा सा आपको दिख रहा है, ये त्रिवेणी पुष्प है। ये सारे दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। 2025 में यहाँ महाकुंभ मेला लगेगा, तो आप देखिएगा यहाँ कितने लोग, कितने श्रद्धालु देश देश से आते हैं घूमने के लिए। ये एक पवित्र स्थान है। ठीक है, चलिए अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ आपको। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है।